पीजे चामी को अपने संजू भाई की तरफ से हैप्पी दिवाली भाई। आज है दिवाली और मैंने सोचा भाई आप लोगों को सरप्राइज देते, एक नया गेम बन के आया भाई जिसका नाम है पोकेमॉन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि पूरा हिंदी में बना है। एंड ये गेम को भाई बनाया है पोकेमॉन बंडाई ने, और आप में से भाई काफ़ी सारे लोग कमेंट किए जा रहे हो भाई खेलो यार पोकेमॉन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, खेलो खेलो खेलो। मतलब गेम एक से डेढ़ हफ्ते पहले बन गया था एंड भाई मेरे एग्जाम्स चालू थे, इसके लिए भाई मैं मतलब रेगुलर नहीं था और मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा था। तो आप लोग बोल रहे भाई खेलो 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 भाई, मतलब कमेंट आए जा रहे, तो मैंने बोला भाई चलो खेलते हैं। और वैसे भी गेम में कोई इंटरेस्टिंग लग ही रहा था भाई, तो आज मैंने डिसाइड कर लिया भाई कि आप लोग को दिवाली के मौके पे भाई एक सरप्राइज दे दे। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं गेम स्टार्ट करने वाला, मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों को सरप्राइज देते और देखते कैसा लगे आप लोगों को। बताओ मेरे को कैसा लग रहा भाई आप लोगों को दिवाली के दिन आपको सरप्राइज मिल गया संजू भाई की तरफ से, कैसा लग रहा है? पोकेमॉन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भाई इसका क्रेज़ फिलहाल बहुत ज़्यादा है एंड आप लोग भाई मेरे को भाई बोले जा रहे हो खेल भाई खेल, तो मैंने फाइनली बोला चल दिवाली के दिन आप लोग को सरप्राइज देना है, मतलब देना है। कैसा लग रहा है सरप्राइज मेरे को बताओ, सरप्राइज पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज बहुत कम ही लोग करते ये चीज़। एंड गाइस एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोग को भाई मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और आप लोग अगर मेरे को विश करना चाहते हो तो कमेंट में भाई पूरा भर डालो हैप्पी दिवाली, इतना भरो ना पूरा स्पैम कर डालो भाई हैप्पी दिवाली, मतलब हैप्पी दिवाली भाई, समझ रहे हो? बाकी गेम स्टार्ट कर दे और हैप्पी दिवाली। चलो ओके, जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो वो रहस्यों का और चमत्कार से भरी हुई है, जिन्हें हम पोकेमॉन कहते हैं। तुम एक नॉर्मल से इंसान हो जिसे पोकेमॉन गेम्स खेलना बहुत पसंद है, एक्चुअली ये बात सही है। अचानक एक दिन गेम खेलते वक्त एक तेज रोशनी आई, ओके, जब तुम्हारी आंख खुली तो तुम एक अलग दुनिया में थे, पोकेमॉन की दुनिया। पर ये सब कैसे हुआ? अगर तुम यहाँ हो तो रेड कहाँ है? बहुत से सवालों का जवाब पाने के लिए तुम्हें आगे सफ़र पार जाना होगा। उम्मीद करता हूँ तुम अपने इस एडवेंचर में अलग अलग लोगों से मिलोगे और कुछ सीखोगे। आरसीएस तुम्हारा भला करे, बेस्ट ऑफ लक ट्रेनर। ओके आरसीएस भाई पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है, तो भगवान तुम्हारा भला करे, इसमें आरसीएस तुम्हारा भला करे, काफ़ी सही सोचे भाई, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया। ए बटन प्रेस करो और शुरू करो अपना रोमांचक सफ़र। ओके चलो चलो भाई, वैसे बाय द वे ये गेम जो है ना भाई लेजेंड्स रेड का रीमेक है, मतलब ये गेम को भाई लेजेंड्स रेड जो गेम है आप लोगों को पता होगा उसका रीमेक है। एनो गेम पहले से बहुत ज़्यादा ओपी था, बट भाई पोकेमॉन बंडाई ने इसके अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस करके गेम को और ज़्यादा ओपी बना दिया है। एंड बाकी देखो हिंदी में है ट्रांसलेशन मेरे को पता है, बट ये पकाऊ चीज़ें मेरे को कभी पढ़ने में मज़ा नहीं आती भाई, तो फिर आई डोंट लाइक दिस। बट अपना नामकरण हम लोग अच्छे से करेंगे, अपना नाम है भाई संजय एंड सबको पता ही होगा। वैसे बाय द वे आप लोग मेरे को प्यार से संजू बोलते हो भाई, संजू भाई, हाँ संजू भाई। ओके ये रहा मेरा नाम। चलो राइवल का तो ना वर्ल्ड फेमस नेम है भाई उसका, तो वाह तो तुम्हारा नाम है संजू, हाँ भाई एकदम बढ़िया, एकदम मस्त नाम है ना। ये मेरा पोता है, थोड़ा ज़िद्दी है लेकिन काबिलियत बहुत है। अरे भाई काबिलियत तो भर भर के इतनी भरी हुई है कि क्या बताऊँ। ये क्या है, गोलू बंटी पपलू बंटाई, ओके ओके बंदे ने अपना भी नाम डाला है, चलो। बट अपन लोग भाई अपना वर्ल्ड फेमस नेम चेंज नहीं करने वाले, वो तो वही रहेगा झंडू झंडू। मैं हर गेम में भाई इसका नाम झंडू देता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को मज़ा आता है भाई इसको झंडू बोलने में, एक काम ही वैसे करता है भाई। तुम्हारी खुद की पोकेमॉन जर्नी शुरू होने वाली है पोकेमॉन के साथ सपनों और एडवेंचर्स में। चलो यार सपना और एडवेंचर कहते लेने लिख लो इधर से हाई का। अरे भाई ओ भैया इसमें ना पता है एक पोशन मिलता है हमेशा, आप क्या करना चाहोगे? हम विड्रॉ करना चाहेंगे, पोशन विड्रॉ करेंगे। चलो कुछ मिले या ना मिले भाई स्टार्टिंग में ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो मिल रहा है। ऑप्शन वगैरह देख लेते भाई, इसको फास्ट अबे स्लो नहीं फास्ट, हाँ चलो हाँ ये 10 मेरे को 10 पे अच्छा लगता है, ये बाकी सब सही है भाई। चलो चलते आगे, एक मिनट, एडजस्ट वेरियस गेम सेटिंग्स सच एज टेक्स्ट स्पीड गेम रूल्स एक्सेट्रा। इसको हिंदी में क्यों नहीं किया भाई? इक्विप विद पॉकेट्स फॉर स्टोरिंग आइटम्स यू बॉट रिसीव और फाउंड। इसको हिंदी में क्यों नहीं किया भाई? इसको भी करना चाहिए था, बाय द वे कोई बात नहीं। ओके हेलो, ये गेम बनाया है पोकेमॉन बंडाई ने और बेस दिया है रोम स्प्रेड ने। हाँ भाई वही बोल रहा था, मतलब गेम को भाई बनाया, मतलब जो रियल क्रिएटर था भाई वो रोम स्प्रेड है, बट बंडाई ने इसको मतलब रीमेड किया है भाई, और भी बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी फीचर्स ऐड किए भाई, तो काफ़ी बढ़िया है। चेक आउट ऑन यूट्यूब, मैं भाई रोम स्प्रेड और बंटाई दोनों का चैनल का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उनको सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप गेम को शेयर करते हैं देन काइंडली गिव मी क्रेडिट्स एंड यूज माई लिंक्स,
गुड लक। बाय द वे, मैंने इतने सारे क्रेडिट्स दे भी दिए भाई वीडियो में, जब से आया तब से बोले जा रहा हूँ और इससे ज़्यादा क्रेडिट कैसे दूँ अभी। एक काम करता हूँ भाई, चैनल का नाम ही बदल देता हूँ बड़ा वाला क्रेडिट मिल जाएगा। बाय द वे, जस्ट किडिंग। हम हर लड़का एक दिन घर छोड़ता है, टीवी पर ऐसे ही कह रहे थे। ओ हाँ प्रोफेसर ओक तुम्हें ढूंढ रहे थे बेटा। ओके मॉम, चलो भाई। बिटवा को प्रोफेसर ओक ढूंढ रहे थे। और ए स्वेलो कैसा है भाई? अरे भैया मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है नालायक, कुछ करना उड़ना मत, समझ रहे हो? वाइट मत कर देना नीचे का जमीन। आज मेरा बर्थडे है और मेरे पापा ने मुझे ये क्यूट पोकेमॉन दिया। अरे हैप्पी बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। अरे पोकेमॉन तो बहुत बढ़िया। ओ हुलू है ना, हुलू। हाँ ओ हो, अरे हाँ भाई भेड़ बकरी आवाज़ ही बढ़िया कर रहा। अरे कैसे भाई लोग, हेलो। अरे वाह भाई वाह, बेड्रिल बनने के बाद मेरे को मत छेदना भाई, मेरे घर के पास हो तुम लोग, याद रखना। क्या हुआ, खो गए हो दोस्त? अरे तो ऐसे भाई, व्हाट आज कैचम। वाह भाई स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग से ही तहलका बजाना शुरू भाई। वाह, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या सवाल होंगे, लेकिन ये सही समय नहीं है। तुम्हारी ही तरह मैं भी अचानक इस दुनिया में आ गया। ये है तो कॉन्ट्रोडिक्शन, मगर वो वाला नहीं जिसमें मैं जानता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ। इस दुनिया की टीम रॉकेट ने मल्टीवर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से अलग अलग दुनिया से जो भी रेड और रेड को जानता है वो इस दुनिया में आ गया। वो एक मिनट एक मिनट, जो भी रेड को जानता है मतलब समझ जाओ भाई, मैं कितना पॉपुलर हूँ भाई, एस कैचम मेरे को जानता है। वाह अरे भाई वाह, अरे रेड को ऐसा ऐसा पांडू इंसान थोड़ी समझ नहीं भाई, रेड बहुत पावरफुल है आज तो। चलो वो तो है ही भाई लेजेंड, रेड भी लेजेंड है भाई, म्यूटू को पकड़ा बंदे ने, और क्या चाहिए तुमको। पर पता नहीं क्यों तुमने इस दुनिया की रेड की जगह ले ली इस दुनिया में। अच्छा हाँ मल्टीवर्स है ना भाई, अलग टाइम में जाओगे तो वहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है तो पहले से मौजूद रहता ही है। बाकी बातें बाद में करते हैं। मुझसे प्यूटर सिटी के म्यूजियम में मिलना, और हाँ ये पोशन रख लो काम आएगा। अरे भैया बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, स्टार्टिंग से मिले तो मिले भाई, हेल्प भी स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दिए। अपना ख्याल रखना दोस्त। अरे भाई तुम भी अपना ख्याल रखना ब्रो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया केचम भाई, मिस्टर केचम, एस केचम। काश तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऊपर खुश हो। हेलो बट्टर फ्री, हेलो बड़ी, हेलो। ये लोग कितने ओए बे, मतलब हेलो भी नहीं बोलते। हे रुको ऐसे बाहर मत जाओ। अरे अरे उड़ो अंकल, ओहो ये सेफ नहीं है, टॉल ग्रास में वाइल्ड पोकेमॉन है। वैसे भी कल से अजीब चीज़ें हो रही हैं। आइडिया मेरे साथ चलो बच्चे, आइडिया। एक मिनट, ये कौन है बाजू में जो कैरेक्टर है बाजू वाले रूम में भैया? अरे अरे छोड़ दे अंकल, ए अंकल नहीं छोड़ेंगे, बहुत खतरनाक इंसान है। ओके यहाँ में वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक चले जा रहा है भाई। दद्दू अब कितना वेट करवाते हो? जड्डू जरा सोचने दो। अब सोचना क्या है? अरे हाँ मैंने तुम्हें भी आने के लिए कहा। अरे वाह, हाँ नहीं मेरे को पता है भाई, उम्र के साथ साथ दिमाग भी कमज़ोर होता है, मतलब बुढ़ा होता है। यहाँ देखो संजय, तुम्हारे सामने तीन पोकेमॉन है। बाय द वे मेरे सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा है, ऐसा बोलो तुम्हारे राइट हैंड साइड में तीन पोकेमॉन है। गलत बोलते हो यार, इतने पढ़े लिखे हो कि फिर भी कुछ भी यार, मतलब खुले आम अपने पढ़ाई का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे भाई, कितना गलत बोलते यार। अच्छा बोलो तुम्हारे बाजू में देखो तीन पोकेमॉन है, जाओ दो ले लो, ऐसा बोलना चाहिए यार। हाँ हाँ हाँ, अब की बार ये पोकेबॉल्स के अंदर नहीं है, क्यों ये मैं जानना चाहूँगा। जब मैं जवान था मैं एक सीरियस पोकेमॉन ट्रेनर हुआ करता था, पर अब मेरी इस उम्र में मेरे पास सिर्फ ये तीन बच्चे हैं। ओके एक मैं लेके जाता हूँ, तुम एक रख सकते हो, चलो चूज़ करो। चलो तीन बच्चे तो ठीक है, ये नालायक किसका बच्चा है झंडू? चलो तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा पोता तो बच्चा ही हुआ ना बे। ये रुक जा बे रुक जा। ए ग्रिम्स नो फेयर, व्हाट अबाउट मी? इसको हिंदी में नहीं कर पाए क्या भाई? हे दद्दू मेरा क्या होगा? ऐसा करना चाहिए था। बी पेशेंट झंडू, यू कैन हैव वन टू। चलो अपन, आई थिंक मेरे को ना वो स्क्वाडल लेना चाहिए भाई, आई रियली लाइक स्क्वाडल। मैं बहुत मतलब जितने भी फायर रेट के हैक्स खेलता हूँ मैं मोस्टली चार्मेंडर लेता हूँ, बट इस बार मैं लूँगा स्क्वाडल। हम स्क्वाडल को चुनोगे? ये कमाल का पोकेमॉन है। सो संजय तुम ले रहे हो वाटर टाइप वाटर पोकेमॉन स्क्वाडल को? एब्सोल्युटली भाई।
चलो स्क्वाटल मिल चुका है भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर पोकमन लिया अपन ने भाई। क्या तुम कोई निकनेम देना चाहोगे स्क्वाटल को? वेल मैं देना चाहूँगा इसका, इसको नाम दूंगा मैं ब्लू। ये दिखता है पानी की तरह, मतलब पानी पोकेमोन दिखता है पानी, ब्लू ब्लू, तो आई विल गिव यू द नेम ब्लू। मेरा दिमाग बहुत, मैं कुछ भी सोच के कुछ भी कर देता हूँ भाई, पता है ऐसा नहीं है, मैं लॉजिकल चीज़ भी सोचता हूँ, इलॉजिकल चीज़ें तो भर भर के सोचता हूँ। फिर मैं ये वाला लूँगा, अरे ले ले भाई मेरा वाला भी ले ले नहीं तो चाहिए तो बोल रुको संजय, अपने पोकेमोन को आजमा ले, कम ऑन डरो मत भोंदू। अरे झंडू तेरी तो ऐसा ऐसा फालतू इंसान समझते क्या मेरे को, होल्डू तेरी भैंस की नांग, एक छिटको सा ये क्या घास फूस लेके मेरे से आया भिड़ने भाई। अरे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते, लेवल देख रहे हो बंदे की, गेम बनाने वाले ने भर भर के भाई गलत काम किया है इसमें मतलब देख रहे हो भाई, बेचारे को, बेचारे की पोकेमोन का लेवल कम रखा भाई, ऐसा क्यों भाई, कितना बुरा लग रहा होगा उसको भाई। मैं समझ सकता हूँ ये बात, मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है भाई, अचानक से घुस जाओ मस्त सामने 100 लेवल की बुक है, मैंने अपने 50 ही रहते हैं, ले भाई पटक के धो देते हैं अपन को लोग, ये बहुत दुखी वाली बात है, बट फिर भी चलो मज़ा आता है भाई। मगर हम शमाश, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें प्राइस मनी मिलता है और तुम्हारा पोकेमोन ग्रो होता है, ऐसे ही लगे रहो, लगे रहेंगे भाई आराम से। ओके मैं अपने पोकेमोन से बैटल करवा के उसे स्ट्रांग बनाऊंगा ददू, फिर मिलेंगे हंसते हंसते, अरे हंसते हंसते ही मिलना, हगते हगते मत मिलना भाई ओके लेट्स गो गाइस, अभी इनको एक पार्सल की ज़रूरत है, बट इससे पहले इस क्यूरियोसिटी वाले बंदे से मिलते हैं। हेलो मैन, हे कैसे हो तुम? मैं हूँ हिलबर्ट, पता है भाई मैं यूनोवा रीजन से आया हूँ और मैं टांटो में एक नया सफ़र शुरू करना चाहता हूँ। माफ़ करना तुम्हारा नाम पूछना तो मैं भूल ही गया। अरे नाम में क्या रखा है भाई, काम में रखा है, काम करवा ले हमसे। हाँ तुम हो संजय, ओके मैं याद रखूँगा, अब मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे दोस्त। दरवाजा बंद, अबे हरामखोर, दोस्त बोला फिर भी दरवाजा बंद है, वाह व्हाट द हेल दिस गाय इज डूइंग, ऐसे खतरनाक दोस्त नहीं चाहिए मेरे को भाई, पहले दिन से ही धोखा। अच्छा यहाँ का रूट सिस्टम थोड़ा अलग है। तुम्हारे पास पोकेमोन है? अबे हाँ भाई पोकेमोन अभी मिला है, अरे वाह चलो, ये एक एक बिगाड़ के लेगा मेरा, मेरे को ये तो ये नहीं समझ में आ रहा, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? तेरे पास एक छुटको सा मैजिक आप है, मेरे पास एक छुटको सा ब्लू पोकेमोन है अरे वाह भाई, ये में ना ऐसा लगता है ना, मतलब ऐसा है ना, ये किधर जा रहा है ये ले, अरे ये भाई ये मोर पिको, बेहतरीन बुक है ना ऐसे मोर पिको, अरे वाह चलो बहुत बढ़िया पार्सल। अरे यार एबिलिटी पैरालाइज करके, ओके पोशन ही पोशन मिल रहा भाई, तीन पोशन जमा हो गए भाई अपने अंदर, अंदर सॉरी बैग के अंदर, अपने अंदर थोड़ी जमा होंगे, कुछ भी बुलवा देते हो यार तुम लोग मेरे से, हाँ गलत काम करते हो यार, भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे, दिवाली के दिन पे गलत काम मत करना, अच्छे काम करो, पटाखे थोड़े कम फोड़ो मगर फोड़ो भाई, अब साल में एक बार आया तो फिर थोड़ा तो फोड़ ही सोगे भाई, पॉल्यूशन होता है बट फिर भी थोड़ा तो फोड़ ही सकते हो यार, इतना भी नहीं होता है, मैक्सिमम एक लिमिट के अंदर कोई भी काम करो ना वो अच्छा रहता है भाई। अब लोग क्या करते पता है, एकदम जोश जोश में ना एकदम मतलब भर भर के लिए फोड़े जाते भाई। ए पिकाचू, अरे यार ए लोमड़ी सुनियो के भाई, हेलो चूहे कैसे, अरे ये फीमेल है, पूछ में दिल बनाओ फीमेल पिकाचू भाई दिखती बहुत सही है, उसका कुछ पता चले ना, उसका पूछ बहुत अच्छा रहता भाई, पूछ में दिल बना हुआ रहता है तो कैसा लगता है भाई, आपको क्या लगता है बताना मेरे को। वेल 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 इधर मैं भी है भाई, हे हाय मैं हूँ मैं, तुम प्रोफेसर ओक के पार्सल लेने जा रहे हो ना? हे मुझे कैसे पता? वेल मेरी दुनिया के रेड ने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। अरे कहानी सुनाई थी तो क्या उसने पूरा ए टू जेड बताया था? हाँ मैं 9 बजे उठा था, हाँ मेरे को 9:55 पे पोकेमोन मिला था, वो भी स्टार्टर पोकेमोन, हाँ 9:10 पे मैं प्रोफेसर ओक के घर से लैब से निकला था, हैं 11 बजे में पार्सल लेके आया था, ऐसा बताया था क्या यार? कुछ भी कहानी मतलब होता है मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ भाई, ये थोड़ी होता है मैंने पार्सल बट मैंने इसको हराया, ये पोकेमोन पकड़ा मैंने, मैंने म्यूटू को पकड़ा, ये होता है कहानी भाई, कुछ भी है क्या? सो मैं समझ गई कि इस दुनिया में भी वही होगा। हे क्यों ना हम बैटल करें, अरे पहले हील तो कर दो मैं पोकेमोन, नालायक इंसान
एक जमाना था जब मैंने मे को पटाया था, एक जमाना है कि मेरे को लेवल अप की जरूरत ही नहीं इसको हराने के लिए। वाह की बात भाई की बात, गेम बनाने वाले देख रहे हो भाई, बहुत भरभूर भर भर के नाइंसाफी किया है भाई ये लोग के साथ। ये लोग भाई कहीं केस वेस कर दिए ना कोर्ट में जाके, तो फिर बंदा अंदर हो जाएगा भाई, उसको बचाना पड़ेगा, बंटाई को बचाना पड़ेगा भाई। सच बता रहा हूँ भाई, देख रहे हो 3 लेवल भाई, मजाक कर रहे भाई बंदा, ऐसा थोड़ी होता है यार, कम से कम 5 लेवल देना चाहिए था। बाद में ये लोग केस करेंगे ना तो बंदा अंदर, भाई हम सपोर्ट करेंगे, टेंशन नॉट। मुझे ब्रैंडन को ढूंढना होगा, जब वो तेज रोशनी आई तो हम दोनों अलग हो गए थे, हे हे, और मैं इस दुनिया की मैं से भी मिलना चाहती हूँ। वेल एक्चुअली मैं भी मिलना चाहता हूँ ब्रैंडन से भी और इस दुनिया की मैं से भी, और मैं ये देखना चाहूँगा कि जब दोनों मिलेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, वो मेन चीज़ है। आपका स्वागत है पुगुइन सेंटर में, क्या मैं आपके पुगुइन को अच्छे से हील कर दूँ? अरे ज़रूर, इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया, अपने पुगुइन फिर से हेल्दी हो गए, खुश रहो, उम्मीद करती हूँ तुम, हम फिर मिलेंगे। अरे ज़रूर मिलेंगे, उम्मीद नहीं भी करती तो भी मिलता, मैं ज़रूर मिलता, आप हो ही इतनी नेक्स्ट लेवल। हे तुम पैलेट टाउन से आए हो? अरे हाँ, मैं पॉपुलर हूँ क्या यार प्रोफेसर ओक के साथ रह रह के? तुम प्रोफेसर ओक को जानते हो? अरे मानता हूँ उनको जानने की क्या बात करते हो, उनका ऑर्डर आया था, क्या तुम ये उन्हें दे दोगे प्लीज़? अरे ज़रूर, हमारा यही तो काम है, पोकेमोन ट्रेंस का यही तो काम है, पार्सल ले लो करना। ऐश को ही देख लो, ऐश गया था अंडा लाने, अंडे के साथ साथ पूरा ट्रॉफी लेके आया, ऑरेंज लीग की, नहीं नहीं ऑरेंज लीग की नहीं, सॉरी ऑरेंज लीग की नहीं, जोटो में घुस गया, हाँ जोटो जोटो, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ याद है याद है, ऐश गया था जीएस बॉल लेने, और जीएस बॉल लाते लाते बंदा भाई ट्रॉफी लेके आ रहे ऑरेंज लीग की, बताओ। और फिर आया, फिर शांति नहीं है, फिर गया भाई अंडा लेने, अंडा लेने गया था ना? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, अच्छा हाँ जीएस बॉल तो पहले, अरे मैं मिक्सअप कर रहा हूँ भाई, अंडा उसको ऑरेंज लीग में मिला था भाई, टोगी पी वाला कुछ भी आ गया घूमते, नहीं नहीं नहीं, वो भाई जीएस बॉल लेने गया था जोटो के अंदर, एंड उधर से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी। बंदे को एक काम दिया प्रोफेसर ओक ने, और उसको वो तो किया चलो उसने, बट गलत काम किया ना भाई, वेट वेट वेट, अरे नहीं 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 नहीं, मैं प्योर कन्फ्यूज हूँ, पता है फुल कन्फ्यूज हूँ मैं, वो ऑरेंज लीग गया था जीएस बॉल लाने, वहाँ से उसने ऑरेंज लीग की ट्रॉफी जीती, फिर वो लाके उसने प्रोफेसर ओक को दिया, ऑरेंज लीग की ट्रॉफी जीतते लेने जीएस बॉल लाके उसने प्रोफेसर ओक को दिया, और उसके बाद प्रोफेसर ओक का दिमाग फट गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक कट नाम की बंदी को जो जोटो में रहता है उसके लिए ऐश केचम बोला कि इसको कट के पास लेके जाओ, वो इसको ज़्यादा समझ पाएगा, फिर उसकी जोटो की जर्नी स्टार्ट हुई। अब अच्छे से याद आया, दिमाग मेरा बुढ़ा हो गया ना भाई, उम्र बढ़ रही है, नहीं बहुत टाइम से देखा नहीं ना, मतलब वो देखे बहुत टाइम हो गया ना वो सीरीज़, तो इसके लिए एकदम क्लियर कट याद नहीं, बट अब क्लियर कट याद आ चुका है। ओ संजय मेरा पोकेन कैसा है, क्या लगता है भाई? लगता है जैसे वो तुम्हें पसंद करने लगा है, तुम एक काबिल पोकेन ट्रेनर हो, बड़ा जल्दी पता चल गया तुमको, क्या बात है, जलवा है भाई हमारा। क्या कहा, तुम्हारे पास कुछ है मेरे लिए? संजय ने ओक का पार्सल दे दिया, अरे दे दिया भाई दे दिया, अब ये तो वो बीस्ट बॉल है, बीस्ट बॉल बेस्ट बॉल दिखा था कि बीस्ट था, बीस्ट ही था ना, मेरी रिसर्च के लिए मैंने मंगवाई थी, थैंक्स दद्दू। ये क्या है बे, नालायक तेरा काम मैं कर रहा हूँ, मैं भूलने ही वाला था, आपने मुझे क्यों बुलाया? ओ हाँ, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू टू, यहाँ डेस्क पर मेरा इन्वेंशन है, जब पोकेडेक्स कहाँ पे बे, मैं अंधा हूँ क्या? भगवान मेरी आँखों में कुछ दिक्कत है, मेरे को दिख रहा नहीं पोकेडेक्स, ये ऑटोमेटिकली डेटा रिकॉर्ड कर लेता है उस पोकेमॉन पर जिसे तुमने देखा या पकड़ा हो, पहली बात तो दिख रहा नहीं है भाई, और जो चीज़ खुद ही नहीं दिख रही है मेरे को नहीं लगता किसी और चीज़ को रिकॉर्ड कर पाएगा, किसी और चीज़ को मतलब देख भी पाएगा। संजय जंडू इन्हें अपने साथ ले जाओ, अच्छा वो जो अच्छा ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा था भाई छोटू मोटू, वो पोकेडेक्स था, वाह क्या अलग लेवल का पोकेडेक्स बनाया भाई। सिर्फ पोकेमॉन को देखकर तुम उनका डेटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे, उन्हें पकड़ना भी पड़ता है, ठीक है भोन दो बच्चों, इसलिए ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगी आएंगी। संजय को 5 पोकेबॉल्स मिले, ओके जब एक वाइल्ड पोकेमॉन आता है तो तैयार रहना, पोकेबॉल फेंक कर उसे कैच करने की कोशिश करना, हालांकि ये हमेशा काम नहीं करेगा, एक हेल्दी पोकेमॉन भाग सकता है, तो सब तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है, लक तो हमारा कभी कभी इतना अच्छा होता है ना कि हम लोग एक पोकेबॉल में आरसीएस पकड़ सकते भी, बट वो नहीं होता भाई उतना, मिलियंस ईयर्स में एक बार हो जाता है। दुनिया के हर पोकेमॉन पर गाइड बनाना मेरा सपना था, पर अब ये तुम्हारा सपना बनेगा, हाँ 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 वाह क्या बात है,
दुनिया की हर लड़की पटाना मेरा सपना था, अब इनका सपना मेरा होगा तो मेरा सपना इनका होगा। प्रोफेसर ओक विल रॉक्स गाइस, प्रोफेसर ओक रॉक करेंगे भाई, अब क्या बताओ। चलो सपना बदल लेते, चलो ठीक है, ऑल राइट दद्दू, सब मुझ पर छोड़ दो। संजय, कहना तो नहीं चाहता पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, ऐसा लगता है तेरे को। जब जब पैंट फटने लगी है ना तो बाद में बोलेगा भाई प्रोटेक्शन दे मेरे को। आई नो, मैं अपनी बहन से एक टाउन मैप ले लूँगा, आई विल टेल हर कि तुम्हें ना दे। संजय, हाँ हाँ हाँ, मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। बेटा, तेरे घर भी आऊँगा, तेरी बहन से भी मिलूँगा और हो सके तो कुछ खा के भी जाऊँगा। हालांकि तू कंजूस इंसान है, कुछ खाने नहीं देगा मेरे को, बट फिर भी तेरी सिस्टर अच्छी होगी भाई, आई थिंक सो। मैम, मैप नहीं दोगे चलोगी, कुछ खिलाओ यार। दद्दू ने तुम्हें कोई काम दिया है? सिस, कितने आलसी हैं वो, ये लो इसे रख लो। संजय को मिला टाउन मैप डेसी की तरफ से। अरे बहुत बहुत शुक्रिया डेसी। और कुछ? अभी मत कहना तुम्हें टाउन मैप इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं नहीं बताऊंगी। नोब, अरे एटीट्यूड गर्ल, वाह क्या बात है, एक लड़की ने संजू भाई को नूब बोला, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, कितनी प्राउड वाली बात है ना, लड़की ने नूब बोला। लड़की कुछ भी बोले ना भाई, स्वीकार कर लो, लड़कियाँ इज द क्वीन, किंग बोलोगी तो भी चलेगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बाइक से जा रहे हो, लड़की बाइक से जा रही है, लड़की ने तुम्हें ठोका मार दो, तुम ही खाओगे। तुम रास्ते में आए कैसे, वो लड़की है भाई, कैसे रास्ते में आए, नहीं तुम आए कैसे भाई, मेरे को कुछ किसी को कुछ नहीं पता, तुम आए कैसे भाई रास्ते में, लड़की के रास्ते में आएगा नालायक, तेरे को ही मारेंगे भाई सब लोग। लड़की जा रही है ना, ओ हो भाई इंडिया की पीएम जा रही है भाई, जाने दो जाने दो, साइड में खड़े हो जाए, ऐसा ऐसा भाई, जस्ट किडिंग गाइस। गेम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है भाई, गेम में स्टार्टिंग से भाई फीचर्स जितना शुरू हो गए, हिलबर्ट मिला, ऐश मिला, मे मिली, टाउन मैप मिला। वो तो हमेशा मिलता है। बाय द वे भाई, आज के एपिसोड को यहाँ पे एंड अप कर दे, बिकॉज अपने पार्सल डिलीवर किया, अपने भाई तीन पोकेन ट्रेनर से मिले भाई, और काफ़ी बेहतरीन है भाई, का मज़ा आ रहा है भाई, और सब कुछ हिंदी में भाई, तो पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, खेलने में भी मज़ा आ रहा है, और आई होप आप लोग को देखने में भी मज़ा आ रहा होगा। बाय द वे, आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट वैसे तो मैंने कुछ रखा नहीं था, बट आपने से जितने भी लोग भाई, जितने भी लोग देख रहे हो, प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ करो या ना करो भाई, कमेंट में हैप्पी दिवाली जरूर से कमेंट करना, मैं सबको रिप्लाई दूंगा, मतलब रिप्लाई नहीं भी दे पाया तो हार्ट्स तो सबको दूंगा। बड़े दिनों बाद आज मैं फिर से सबको हार्ट्स दूंगा, बिकॉज अब मेरा एग्जाम खत्म हो गया और आज माइंड भी फ्रेश है भाई, बिकॉज दिवाली है भाई, और आज आप लोग के लिए मैंने सरप्राइज भी रखा, मतलब पोकेन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक सरप्राइज दिया आप लोग भाई, आप लोग बोली रहे थे खेलने को तो मैंने सरप्राइज दे दिया आपको दिवाली के दिन, तो आई होप आप लोग को सरप्राइज पसंद आया होगा। बाय द वे, गेम कैसा ये भी बता देना, एंड बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग आज का वीडियो देखने के लिए, आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और बस गाइस आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को, गाइस एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और मेरे को भी हैप्पी दिवाली विश करो कमेंट में।